सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक वातानुकूलित सिटी बसें, जाने रूट और कब से चलेंगी। जिले में 25 इलेक्ट्रिक सिटी बसों की चार्जिंग के लिए बनने हैं 10 चार्जिंग स्टेशन, रूट का हो रहा सर्वे। बरेली के शहर में 25 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित सिटी बसों का संचालित नगरीय परिवहन परियोजना के तहत किया जाना है। मंडलायुक्त आर रमेश कुमार ने जिसको लेकर अधिकारियों के साथ कमिश्नरी सभागार में बैठक की, तय हुआ कि नवंबर 2021 तक शहर को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी जाएगी। साथ ही हर सप्ताह इसकी बैठक कर इसे जल्द पूर्ण किया जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि शहर की चारों दिशाओं की ओर जाने के लिए जहां से मार्ग शुरू हो रहे हैं वहां पास में ही बस अड्डों को बनाया जाए। सिटी बस का रूट तय करने में यह ध्यान रखा जाए कि बरेली एयरपोर्ट से सिटी बस कनेक्ट रहे। बैठक में डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इन बसों के लिए सभी रूट जल्द से जल्द तैयार कर लिए जाएं। परिवहन विभाग ने अधिकारियों से कहा कि अन्य विभागों से समन्वय के लिए अपने आप को केवल पत्राचार तक सीमित ना रखें। डीएम ने फरीदपुर केंद्रीय जेल फतेहगंज पश्चिमी में प्रस्तावित बस स्टैंड के कार्य को जल्द अंतिम रूप दिए जाने के निर्देश दिए।